स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। सो इन लास्ट वीडियोस वी डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सॉल्विंग सम क्वेश्चंस इन वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 8.1। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। बच्चों ये गिवन है, आपसे पूछा गया फाइंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 + sin θ, 1 - sin θ / 1 + cos θ और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 - cos θ। ठीक है बच्चों, और इसी में जो सेकंड पार्ट सॉल्व करना है आपको वो है कोट स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर आप देखें ना, अगर आप एक एक्सरसाइज आएगी इसी में आपके 8.4, जब वो आप कर लेंगे तो इसको डायरेक्टली आप बता सकते थे ये 1 - sin²θ है, वो कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसका मतलब इसको सोल्व करने पे टेन स्क्वायर थीटा आता है, तो आप सिंपली कोट का रेसिप्रोकल करके 10 की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अभी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, देखिए 1 + sin θ, इसका मतलब कोट थीटा गिवन है। बच्चों ध्यान दीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, तो ये थीटा मान लीजिए आप, ए बी सी बोल दीजिए। तो बच्चों कोट क्या होता है हमारा, आपसे पूछा जाए कोट क्या होता है सर? ये तो सर आप हमारे लिए लिख ही दो, पी बी पी हिंदुस्तान हरा। सर टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोट क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ऑलरेडी गिवन है 7/8, तो इस थीटा के लिए बेस तो ए बी होगा, वो गिवन है 7। ठीक है, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट साइड होगा, ये हो गया 8। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको ये चाहिए AC, तो AC कितना आएगा आपका 7² 49, 8² 64। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, तो आपको यहाँ से AC कितना मिल गया, √113। प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, √113। आप सिंपली यहाँ से साइन लिख लीजिए, कोस लिख लीजिए और वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए आपको यहाँ से साइन थीटा कितना मिलेगा, सर साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेन्यूस है √113। कोस थीटा कितना होता है प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। प्यारे बच्चों बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों 113। इज इट क्लियर? अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, तो अगर आप चाहे तो सिंपली इसको लिख सकते थे, कैलकुलेट भी करके लिख सकते थे। कैसे? देखो a + b a - b है, तो 1 - sin²θ हो जाएगा वो, और नीचे वाला हो जाएगा 1 + cos², ये भी 1 - cos²θ। इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है। बट आप इतना भी लिख सकते थे a + b a - b से, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए या वहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला से उसको आगे सोल्व कर लेते हैं। फाइनल आइडेंटिटी पुट नहीं कर रहे जो लास्ट एक्सरसाइज में है, बट a + b और a - b a² - b² होता है अपॉन, नीचे वाला हो गया 1 - cos²θ। बच्चों 1 - साइन की वैल्यू क्या आ रही है, 8 √113 / 1 - कोस की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 √113। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 113 LCM लेंगे, √113। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, अगर √113 LCM आ गया तो √113 - 8 मिल जाएगा अपॉन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √113 आपका LCM आ जाएगा, तो √113 - 7 मिल जाएगा। तो बच्चों ये दोनों कट गए, तो आपको ऊपर कितना मिल रहा है, √113 - 8 अपॉन √113 - 7, यह आपका आंसर हो गया। अब हमेशा हमें पता है कि इसे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर को नहीं लिखते हम, तो आप इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए। आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, -8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √113 + 7 अपॉन
रूट वन वन थ्री माइनस सेवन इसी के साथ आ जाएगा रूट वन वन थ्री प्लस सेवन। बच्चों उसको तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा आप। ये रूट सिर्फ इसी 13 पे ही है, इसका स्क्वायर 113 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया बच्चों, इसको 49 सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी है, कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा पूछा बच्चों, कोट तो ऑलरेडी गिवन है आपको 7/8, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो इसका मतलब कितना हो गया 49/64। प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जैसे आप साइन लिखते हैं, अगर इसका स्क्वायर लिखेंगे ना तो साइन के ऊपर आएगा स्क्वायर ऐसे, ना कि आप इसको ऐसा लिखें, ये रॉन्ग, ये आपका करेक्ट है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस पे आएगा स्क्वायर जैसे यहाँ पे आ रखा है। जैसे कोट स्क्वायर थीटा लिखना यहाँ स्क्वायर आएगा, जैसे टेन स्क्वायर थीटा लिखना यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ना कि थीटा के ऊपर स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, फोकस वर्किंग कर रहा है कि नहीं। यस बच्चों फोकस वर्किंग प्रॉपरली। अब बच्चों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपली वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रेशियोज इन गिवन क्वेश्चंस एंड वी आर फाइंडिंग द आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बच्चों। क्वेश्चन में 3 cot A = 4 गिवन है, ठीक है। तो वो कह रहे चेक कीजिए कि 1 - 10² A / 1 + 10² A = cos² A - sin² है या नहीं। मैं तो कह रहा हूँ है डायरेक्टली, बोले सर आपने सोल्व किया हुआ नहीं। बच्चों एक फॉर्मूले जाते हैं आप 11th क्लास में सीखेंगे, और कंफर्म नहीं है चेक कर लेते हैं। 1 - 10² A, 1 + 10² A बच्चों इजी है, ये दोनों इक्वली है मेरी नज़र में तो, पर हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, टेन चाहिए, कोस चाहिए, साइन चाहिए, तीनों इसके हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। क्वेश्चन में ही पूछा चेक कीजिए ये दोनों इक्वल है क्या, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो सर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लो, ये सी मान लो। क्वेश्चन में गिवन है 3 cot A = बच्चों 4 है, तो कोट ए कितना आ गया आपका 4/3। इसको आप साथ ही रख लें, याद रखने के लिए लिख रहा हूँ, मेरे लिए इतना नीडेड नहीं है, ठीक है। आपको पता है सर कोट क्या होता है, सर टेन होता है perpendicular/base, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोट, ठीक है। इसका मतलब सर एंगल ए के लिए बेस ए बी है, उसका वैल्यू दे रखा है 4, और परपेंडिकुलर इसके लिए कितना है 3 दे रखा है। 4² = 16, 3² = 9, 25 का रूट लेंगे आप 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके रिक्वायरमेंट क्या है सर, एक तो टेन ए चाहिए, कोस ए चाहिए और साइन ए चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन ए ही लिख लेते हैं बच्चों। साइन ए कितना होता है, perpendicular/hypotenuse, परपेंडिकुलर ए के लिए 3 होगा, हाइपोटेन्यूस तो 5 ही रहेगा। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बच्चों बेस 4 है एंगल ए के लिए, हाइपोटेन्यूस 5 है। आपको टेन ए बी चाहिए, टेन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बच्चों परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना आपका 4 है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट यू विल डू, वी विल पुट जस्ट दीज वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ रेशियोज इन गिवन एक्सप्रेशंस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, उसको इधर लिख देता हूँ, 1 - 10² A / 1 + 10² A that is equal to cos² A - sin² A। बच्चों 1 - 10² A बोल रहा है, 10 का वैल्यू कितना बच्चों 3/4, इसका करेंगे स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कोस ए का वैल्यू कितना है बच्चों 4/5, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5, बट यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। सोल्व कीजिए,
बच्चों ये हो गया 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। बच्चों 16 वहाँ से एलसीएम आ रहा है तो 16 माइनस 9 हो जाएगा ऊपर अपॉन 16, और बच्चों यहाँ पे 16 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा, 16 से 16 गया, उधर एलसीएम 25 आ जाएगा 16 माइनस 9। इज इट क्लियर बच्चों? व्हाट इज द 16 माइनस 9? दैट इज इक्वल टू 7, एंड 16 प्लस 9 25, एंड दिस इज ऑल्सो 7 अपॉन 25। सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स दिस इज वेरीफाइड। और बच्चों मैं जो ऑलरेडी इसलिए बता था, ये 11th क्लास में आप आइडेंटिटी सीखोगे, ये बच्चों cos 2a का फॉर्मूला होता है और ये भी cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो जब सेम एक्सप्रेशन के दो फॉर्मूले हैं, इट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? यू कैन जस्ट नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। नाउ बच्चों वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अगेन ए इजी क्वेश्चन। सिंपली यू विल जस्ट कैलकुलेट द रेशियोज एंड पुट द वैल्यूज इन गिवन एक्सप्रेशन। बच्चों नाउ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल 8B। बच्चों हमारा जो ट्राइंगल है वो कहाँ पे राइट एंगल है? बी पे। तो आप इसका नाम ए कर दीजिए, इसका नाम सी कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है बच्चों। अब पूछ रहा है वैल्यू फाइंड करनी है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, ठीक है, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, ठीक है बच्चों। साइन ए कोस सी साइन सी, ठीक है बच्चों। एक एक्सप्रेशन आपको इसको सॉल्व करना है, सेकंड इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द गिवन? गिवन इज टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। आप वापस लिख सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। बच्चों टेन क्या होता है? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इट मीन्स इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 1 है, और बेस कितना है प्यारे बच्चों? रूट 3 है, ठीक है। तो आपका ए सी कितना आएगा? सर देख लीजिए, ए सी स्क्वायर जो आएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। रूट 3 स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1, कितना आ गया बच्चों आपका ये 4 आ गया। देख लीजिए रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया 4 आ गया। तो बच्चों ए सी स्क्वायर आया 4 आपका, तो आपका ए सी आ जाएगा प्लस माइनस 2, बट हम माइनस नहीं लेंगे बच्चों। ए सी आपको यहाँ से कितना मिल गया? 2। इज इट क्लियर? अब हम निकालने वाले हैं, यहाँ से साइन ए चाहिए, कोस ए चाहिए, साइन सी भी चाहिए, कोस सी भी चाहिए। तो बच्चों साइन ए क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ए के लिए 1 है, हाइपोटेन्यूस 2 है। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बच्चों बेस है आपका रूट 3, हाइपोटेन्यूस है 2, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए? साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, अब आपको साइन सी भी चाहिए, ठीक है, और आपको कोस सी भी चाहिए। तो साइन सी है तो क्या हुआ सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की तरह। अब सी के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो रूट 3 हो जाएगा अपॉन, और जो सी के लिए जो रहेगा हाइपोटेन्यूस तो चेंज होने से रहा, सेम ही रहेगा, और सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सर इस सी के लिए बेस 1 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा आपका 2। सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन एक्सप्रेशन 1, ठीक है। तो बच्चों साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे हम, इसमें पुट करेंगे साइन, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, चलो यहाँ लिख देता हूँ फिर से। साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, बच्चों साइन ए 1 अपॉन 2, बच्चों व्हाट इज कोस सी? 1 अपॉन 2 प्लस कोस ए कितना है बच्चों? रूट 3 अपॉन 2, और बच्चों साइन सी कितना है आपका? रूट 3 अपॉन 2।
वन अपॉन टू एंड वन अपॉन फोर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री अपॉन फोर। बच्चों इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, फोर अपॉन फोर वन आ जाएगा। इज इट क्लियर? इन सेकेंड कोस ए कोस सी, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। प्यारे वो जो कोस ए का वैल्यू कितना है, रूट थ्री अपॉन टू, कोस सी का वैल्यू कितना है, वन अपॉन टू माइनस साइन ए वन अपॉन टू एंड साइन सी रूट थ्री अपॉन टू। बच्चों व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर द सॉल्विंग, रूट थ्री अपॉन फोर, अगेन रूट थ्री अपॉन फोर, दीज टू विथ इक्वल एंड हैविंग अपोजिट साइन, इट मीन्स व्हाट यू विल गेट, वी आर जस्ट गेटिंग जीरो। सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी वन, सेकेंड एक्सप्रेशन विल जीरो। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बच्चों, वी आर जस्ट सिंपली फाइंडिंग द रेशियोज फॉर द गिवन एंगल, गिवन एक्यूट एंगल, एंड वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रेशियोज इन गिवन एक्सप्रेशन एंड वी आर गेटिंग द राइट आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर टेन, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर टेन, लेट मी यूज ब्लू पेन। बच्चों क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। बच्चों एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, क्यू पे, इट मीन्स दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन है बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25, पी क्यू गिवन है 5, डेटा किस में गिवन है बच्चों, सेंटीमीटर में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब आपसे पूछा क्या है, साइन पी कोस पी, इस टेन के पी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जा रहे हैं आपसे, बट सर हमें तीनों साइड पता नहीं है, इसमें से एक साइड पता है 5, ठीक है। अब ये दोनों साइड हमें नहीं पता, अब ये दोनों साइड हमें सिंपली फाइंड करनी पड़ेगी। सपोज करो हम ये बोल देते हैं, क्या अगर मैं बोल दूं पी क्यू आपका ऑलरेडी गिवन है 5, पी आर प्लस क्यू आर के लिए पूछ रहा है वो, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, हम इसको सोल्व करने के लिए आसानी से टिप्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं, आप सपोज कीजिए इसको x मान लीजिए, किसको मान लीजिए, क्यू आर को आप x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करेंगे तो सर y स्क्वायर जो आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के इक्वल आएगा, इसका मतलब y स्क्वायर जो आएगा x स्क्वायर प्लस 25 के इक्वल आ जाएगा। येस और नो बच्चों, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स, ठीक है। अब इसका मतलब सर पी आर को आपने क्या बोला था, वाई, और क्यू आर को आपने क्या बोला था, एक्स। ये कितना दे रखा है बच्चों, 25, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 25 माइनस वाई। तो आप एक्स का वैल्यू सिंपली वहाँ पे पुट कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ वाई। इज इट क्लियर? What you will do? You will just put the values of x here. तो बच्चों ध्यान दीजिए, y square that is equal to x की जगह कितना put करोगे, 25 minus y इसका square plus 25. देखो x की जगह हमने क्या put, बच्चों यहाँ से x की value यहाँ पे transport कर दिया, ठीक है। तो x की जगह put कर दिया 25 minus y plus 25. y square that will be equal to 25 square means 625. बच्चों हमने भी मिस्टेक कर दी क्या यहाँ पे, सही तो चल रहा है बच्चों, यहाँ से आ जाएगा माइनस 50 y प्लस y square प्लस 25।
बच्चों वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे 50y को आप इधर ले आइए, पॉजिटिव हो गया और उधर बचा 625 प्लस 25। बच्चों 50y हो गया, ये हो गया 650, ठीक है। y विल बी इक्वल टू 650 अपॉन 50। बच्चों कितना आ गया, 13 आ गया आपका। बच्चों y का वैल्यू कितना आ गया, 13। y का वैल्यू आ गया आपको बच्चों यहाँ पे सोल्व करने पे 13, ठीक है। तो y क्या था आपका, y आपने किसको एज्यूम किया, PR को। तो बच्चों PR कितना आ गया आपका, 13। तो QR कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो QR आपका कितना आ जाएगा, 12 है, और ये PR आपने फाइंड के लिए आ गया 13। इज इट क्लियर बच्चों। अब आपको रेशियोज पूछा P के लिए, तो बच्चों P के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया 12 है और बेस ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों साइन P पूछा है आपसे, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। P के लिए परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूस है 13। बच्चों कोस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, प्यारे बच्चों बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूस है 13। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टेन पी विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर कितना है आपका, 12 है, और बेस सॉरी परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस है आपका 5। तो ये आपके आंसर्स आ गए। सिंपली जो अननोन था वो हमने फाइंड कर लिया। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मीन वाइल आई एम चेकिंग द कैमरा। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो वन क्वेश्चंस, ओनली वन क्वेश्चन रिमेनिंग इन क्वेश्चन नंबर 11 विच हैज 5 पार्ट्स। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एंड पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों क्या कह रहे हैं, सेक ए गिवन है 12 अपॉन 5। ये बच्चों बी वाला कर दिया मैंने, पर लिखने में भी मैंने रॉन्ग कर दिया यहाँ पे, सेक ए आएगा। सेक ए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए वो क्या कह रहे हैं, क्या सेक ए की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या। देखिए बच्चों अगर आपको अगर वैल्यूज अभी याद होती, ठीक है, तो देखिए बच्चों कोस की जो वैल्यूज होती है वो मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, सर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं हो रही है, यस सर, जस्ट बच्चों होल्ड कीजिए, समवन नो, यस बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए वो क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं। बच्चों सर आपने बता रखा है, ठीक है, जस्ट हम चेक कर लेते हैं। बच्चों सेक क्या होता है, सर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूस 12 है, बेस है 5 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपका सेक है, अगर इस ए की बात कर लेते हैं, ठीक है, सेक होता है सर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये गिवन है कि हाइपोटेन्यूस आपका 12 है, बेस है आपका 5, तो 12 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर आप कम कर लेंगे तो जो भी आएगा। तो उन्होंने बोला कि कई वैल्यू पॉसिबल है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, बच्चों हो सकती है, इसमें क्या बुराई है। तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, इज इट क्लियर। बच्चों अब इसी में देखिए एक पार्ट और कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। बच्चों अगर आप थोड़ी सी देर रुकेंगे मैं आपको कुछ वैल्यूज याद कराऊंगा। वो क्या कह रहे हैं, क्या टेन ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, कोई जरूरी थोड़ी है। सपोज करो अगर मैं ऐसा ले लूँ, ये 5, ये 4 ले लूँ, ये 3 ले लूँ, अगर ये इस ए एंगल, तो सर टेन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4 अपॉन 3 लिख सकता हूँ। तो 1 से कम आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है, सर 1 से ज़्यादा आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई कन्फ्यूज हमें नहीं रखना है, इसकी वैल्यू देख लो आपकी क्या आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आपका जो पहले वाला है
फॉल्स हो गया, क्योंकि वो कह रहा ऑलवेज लेस देन वन हो गया, लो यहीं देख लो वन से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और वैसे भी 1060 की वैल्यू रूट थ्री होती है, 1090 की जो वैल्यू होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में हम बताने वाले नेक्स्ट वीडियो में वैल्यू इसके बारे में। अब बच्चों इसने क्या बोला है, कोस ए इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंड। बच्चों कोस ए तो है, कोसाइन का एब्रीवेशन है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। जबकि उसने क्या बोला है, ये कोसेकेंड का है क्या वो, तो बच्चों कोसेक यूज करते हैं उसके लिए एब्रीवेशन, तो इस थर्ड वाले में भी फॉल्स आ गया। कोसाइन का एब्रीवेशन है कोस ए, जबकि वो पूछ रहा है कोसेकेंड का है क्या। बच्चों अब ध्यान दो फोर्थ वाला, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। मैंने क्या बोला था, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, ये भी आपका फॉल्स हो गया। क्या कह रहे हैं बच्चों, साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 4/3 आ रही है, फोर सम एंगल। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ऐसा आ रहा है क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि साइन की वैल्यू सर वन से ज़्यादा नहीं आ सकती, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ टफ नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4/3 नहीं हो सकती बच्चों, क्यों नहीं हो सकती मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, -1 भी हो सकती है कहीं पे, पर वो आगे आएगा। 0 से 90 में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी आपकी, ओनली पॉजिटिव होगी। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यूज ऑफ साइन 10 कोस कोट कोसेक अप टू 90 डिग्री। टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।